हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रिया। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आप फिगर्स कैसे गिन सकते हैं, ट्रायंगल्स एज वेल एज स्क्वायर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एमएम एकेडमी ऐप के बारे में बताऊंगी। आप हमारा एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, डाउनलोड करना है एमएम एकेडमी ऐप, देन आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। आप प्लीज़ उनको देखें और जज करें, आपको हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज आवर प्लान एंड एंजॉय आवर कोर्सेज। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में, तो आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं इन आईडीज में। ये है मेरी इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम आईडी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, देन उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू काउंट स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगल्स। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स देखते हैं, और ये है टाइप वन। टाइप वन में आपको इस तरीके के फिगर्स मिलते हैं, उनको आप कैसे काउंट कर सकते हैं विद इन नो टाइम। तो देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है क्लियरली एक ट्राइंगल है। यहां पे देखिए, एक ये ट्राइंगल हो गया, दूसरा ये ट्राइंगल हो गया। अच्छे से देखिए, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए यहां पे? 3 हो गए। अब देखिए, यहां पे भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स ये हो गए। चौथा ट्राइंगल आपका ये वाला हो गया, पांचवा ट्राइंगल आपका ये वाला हो गया, और 6 नंबर का ट्राइंगल कौन सा हो गया? बड़ा वाला। तो यहाँ पर कितने आ गए? 6 आ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 तो आपको दिख रहे हैं। अब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने में क्या जाएगी दिक्कत, तो आप इसमें सीखिए ट्रिक। देखिए क्या है ट्रिक। तो इस ट्रिक में सिंपली आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लिखते हैं और उनको एड ऑन कर देते हैं, तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। और ये वैलिड कब रहता है? जब जो लाइन रहती है जो डिवाइड कर रही है ट्राइंगल्स को, वो कहाँ से जाती है? वो वर्टेक्स के थ्रू जाती है, और टच कहाँ करती है? वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल को। तो देखिए वो ट्रिक, इसमें सिंपली आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखिए, यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 1 2, इनको आपस में कर दो आप एड, तो 1 + 2 कितना मिल रहा है आपको? 3। अब यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली क्या है, कि इस टाइप को आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब ये जो मिडिल लाइन है जो इस ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है हाफ में, इक्वल हाफ में कर रही है डिवाइड, ये कहाँ से मूव कर रही है, मतलब ये कहाँ से जा रही है? ये टच कर रही होगी वन ऑफ द वर्टेक्स और वन ऑफ द साइड, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रही है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक एच पे टच कर रही है और यहाँ पर एक साइड पे टच कर रही है। यहाँ भी एच पे कर रही है और यहाँ पे साइड पे कर रही है, तो ये तब अप्लाई होगी आपकी। ओके, अब इस वाले पे अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3, तीनों को ऐड करो, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 आपको 6 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, और यही हमें मिल रहे थे। अब यहाँ देखिए, 1 2 3 4, तो यहाँ ऐड करके देखिए, 1 + 2 + 3 + 4, इसका सम मिलता है आपको 10। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे हो जाएंगे आपके 10। ओके, अब देखिए टाइप टू। टाइप टू में आपको ऐसे तरीके के ट्राइंगल्स मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ट्राइंगल था उसकी दो साइड्स को आपस में क्या कर दिया आपने? कहीं से जोड़ दिया है। तो आपने यहाँ से जोड़ दिया, सपोज आप यहाँ से भी जोड़ सकते हो, कहीं से भी जोड़ सकते हो आप इसको। तो इस पैटर्न में आपको दिखेंगे जब भी, तब आप टाइप टू के हिसाब से सॉल्व करेंगे। इनके समझ में ना आया हो तो देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल क्लियरली दिख रहा है आपको 1 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकाल सकते हैं? एक ट्राइंगल तो ये छोटा वाला हो गया, और एक ट्राइंगल क्या हो गया? ये बड़ा वाला हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो, जो ये लाइन है जो डिवाइड कर रही है इस ट्राइंगल को, ये कितने में डिवाइड करेगी इसको? 1 और 2 सेक्शन में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे? जितनी काउंटिंग होगी, तो 1 और 2 कितनी काउंटिंग हुई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिले आपको 2 मिले। यहाँ पे इनके बीच में कोई भी डिवीजन नहीं था, तो बस एक ही ट्राइंगल मिल रहा था आपको यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ कितने आ रहे थे आपके? 1 ही आ रहा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, और तीसरा ट्राइंगल ये हो गया। तो नंबर ऑफ लाइंस आप कैसे निकाल सकते हो? 1 2 3, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ कितने हो गए? यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए आपके 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 1 2 3 4, जिसको आप बोल सकते हो बेस। आप लाइन से अगर आपको याद ना होता हो, तो आप इसको ऐसा माना करो, ये कहलाता है किसका? ट्राइंगल का बेस कहलाता है। तो जितने नंबर ऑफ बेसेस होंगे उतना क्या होगा? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ बेस कितना आ रहा था? यहाँ पे नंबर ऑफ बेस आ रहे थे आपके 1, ये वाला। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 ये और 1 ये, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 3 बेसिस हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 हो गए
यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार, चार बेसिस है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए आपके, फोर हो गए। अब आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो ना, वन यहाँ पे दो बेस तो टू, यहाँ पे तीन बेस तो थ्री, यहाँ पे चार बेस तो फोर। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये आपका कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ ट्राइंगल है जिसमें आपको टाइप वन और टाइप टू दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो देखिए इसमें कैसे किया होगा, अगर आप इस वाली लाइन को भूल जाते हैं, किस वाली लाइन को, सपोज ये मिडिल वाली को भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक बेस मिल गया, ये दूसरा बेस, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छह, सिक्स नंबर का। तो नंबर ऑफ बेसिस कितने आ गए आपके, नंबर ऑफ बेसिस आ गए आपके सिक्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, छह। लेकिन देखिए ये जो लाइन थी इसने क्या किया, इसने इसको इक्वल इक्वल पार्ट में दो बार डिवाइड कर दिया। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई लाइन वर्टेक्स से गुजरती है और एक साइड को टच करती है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वन और टू आपस में ऐड कर दो तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आते हैं, थ्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो लाइन है वो डिवाइड कर रही होगी हर एक ट्राइंगल को थ्री पार्ट में, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ रहे थे, छह। तो हर एक ट्राइंगल को तीन में डिवाइड करना है तो छह को कितने में हो जाएगा, छह इंटू तीन, थ्री सिक्स 18, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए, 18। और अच्छे से आप देख सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे ही देखो, है ना, तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये वन पार्ट हो गया, ये आपका टू पार्ट हो गया, ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिलते हैं, वन प्लस टू विच इज थ्री, ओके। अब आप इस ट्राइंगल को भूल जाओ, अब ये आप बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, अब ये लाइन क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है इक्वल हाफ्स में, तो ये वन हो गया और ये टू हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, वन प्लस टू थ्री हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए इस वाले ट्राइंगल में, यहाँ पे भी थ्री, ये वाला रह गया, इसमें भी थ्री, इस वाले में भी थ्री और इस वाले में भी थ्री, तो थ्री आपका कितनी बार आ गया, थ्री आपका आया सिक्स बार, तो थ्री इंटू सिक्स, थ्री सिक्स 18, यहाँ से भी आपको मिल रहा है। तो आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में, क्या रखना है, देखिए ये आपका वन टाइप है, ओके, जिसमें क्या होता है, लाइन जो होती है वो कहाँ से गुजरती है, वर्टेक्स से गुजरती है और टच कहाँ करती है, एक पर्टिकुलर साइड को, ओके, जिसको आप बोल सकते हो बेस को टच कर रही है, ठीक है। पहला टाइप ये होता है, इसमें सिंपली आप क्या करते हो, जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है उनको क्या करते होते हो, आपस में ऐड कर देते हो, काउंटिंग करी और ऐड कर दिया, वन टू, वन प्लस टू गिव यू थ्री। अब यहाँ देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री आपको कितना मिलता है, यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा आपको सिक्स, वन टू थ्री फोर, यहाँ कितना मिलेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये आपको मिलेगा टेन। इतना समझ में आया, टाइप टू क्या थे आपके, जिसमें आपकी जो लाइन थी वो क्या कर रही थी, इसको डिवाइड कर रही थी ट्राइंगल को, और टच कहाँ कर रही थी, दो साइड्स को टच कर रही थी, ओके, इतना याद रखना है आपको। और यहाँ डायरेक्टली कैसे मिलेगा, आप सिंपली यहाँ पे काउंट कर लो नंबर ऑफ बेसिस, तो यहाँ एक बेस हो गया, यहाँ दूसरा बेस हो गया, नंबर ऑफ बेसिस यहाँ टू हुए, तो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी कितने हो गए, टू हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिस वन टू थ्री, तीन बेसिस हैं तो तीन ट्राइंगल बने, तो यहाँ तीन हो गए। यहाँ पे चार बेसिस हैं, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके चार ट्राइंगल, ओके। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपके ये वाले सारे ट्राइंगल्स, तो देखिए इसमें सिंपली क्या करोगे, आप इसके थ्रू निकालोगे पहले, फिर इसके थ्रू निकालोगे और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए यहाँ से आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, अगर इस ट्राइंगल को आप देखो, ये वन और ये टू, तो आपको यहाँ कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं आपको थ्री, ओके। अब लेकिन आपको देखना है ये जो बेस है, यहाँ पे दो बेसेस आ रहे हैं, तो बेस वन और बेस टू, तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिल जाएंगे, इन टू टू, तो यहाँ हुआ आपका थ्री टू जो सिक्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, ये वन और ये टू आपस में ऐड किया तो आपको कितना मिला, थ्री मिला, ओके। अब आपके बेस कितने हो गए, वन टू थ्री, थ्री बेसिस हो गए तो इंटू थ्री कर दिया, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए आपके, नाइन हो गए। अब यहाँ देखिए रैंडमली यहाँ देखते हैं, यहाँ नंबर ऑफ बेसिस कितने आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर, तो फोर बेसिस हो गए आपके, और कितने पार्ट्स में डिविजन हो रहा है, वन टू थ्री, थ्री पार्ट्स में डिविजन हो रहा है, तो आपस में ऐड कर दो, वन प्लस टू प्लस थ्री, ये कितना मिल रहा है आपको, सिक्स, तो आपने फोर इंटू सिक्स किया तो आपको कितना मिला, फोर सिक्स है 24 मिल गया, ओके। यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए आपके, 24। और देखिए अच्छे से, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर, आपस में ऐड करो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये आपको मिलेगा टेन, और टेन में मल्टीप्लाई क्या करोगे,
ये नंबर ऑफ बेसिस, तो यहाँ दो बेस आ रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितने का होगा, टू का. ओके तो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ कितने आ गए, 20 आ गए. ओके अब नेक्स्ट देखिए ये वाला, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4. ऐड करो 1 2 3 4 तो आपको मिलेगा 10, और नंबर ऑफ बेसिस कितने हो गए, 1 2 3. तीन बेसिस हो गए तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए आपके 3. तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिला, 10 × 3 विच इज 30 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टोटल में. अब यहाँ देखिए यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 1 2 3 4. पहला टाइप से आपको कितने मिल गए यहाँ पे, 10, और दूसरे टाइप से कितने मिले, 1 2 3 4. फोर बेसिस है तो इंटू 4, तो 10 × 4 = 40. यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए आपके, 40 हो गए. अब शायद ये वजह था आपका, यहाँ डायरेक्टली गिन लो 1 2, तो यहाँ कितने हो गए आपके, 1 + 2 = 3 हो गए. ओके और नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं, 1 2 3 4, फोर बेसिस है तो मतलब इंटू 4, तो यहाँ हो गया आपका 12. ओके आपको क्लियर हो गया ऐसे में कि आप कंबाइन कैसे करते हो फर्स्ट और सेकंड टाइप को, जिसमें आपको ये वाले वेरिएशन के ट्राइंगल्स मिल सकते हैं. ओके अब नेक्स्ट टाइप देखिए, अब आप देखें टाइप 4. टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 आपको इस तरीके का दिखेगा. इसमें क्या होगा, जो ट्राइंगल्स होंगे वो अनसाइड होंगे क्या बड़े ट्राइंगल के. देखिए ये एक बड़ा ट्राइंगल हो गया और इसके अंदर ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हैं. ऐसे फॉर्मेट में अगर आपको मिलता है, ऐसे फॉर्म में अगर मिलता है, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. तो आपको यहाँ पे जो ये फॉर्मूला मिलता है, इसमें आपको मिलता है n. अब आप पूछेंगे कि n क्या होता है, तो देखिए ये एक सिमेट्री बना रहा है. जब भी आपको ऐसे ट्राइंगल्स मिलते हैं इस टाइप के, तो यहाँ एक सिमेट्री बनती है. देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है. यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, तीन पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है. यहाँ पे 1 2 3, तीन पार्ट्स में ही डिवीजन हो रहा है. तो आप किसी एक पार्ट को गिन लो 1 2 3, तो आपके n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है और एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये आपका ट्राइंगल है, डिवीजन कैसा हो रहा है, 1 2 3, तीन पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है. एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया. तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 3. अब इस n की वैल्यू को आप पुट कर दो इस फॉर्मूला में. तो देखिए यहाँ अगर आप पुट करेंगे n की वैल्यू 3, तो आपको क्या मिलेगा. सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 8. ये आपका फॉर्मूला है. यहाँ पे पुट क्या करना है, इनकी वैल्यू 3. तो देखिए 3, और देखिए यहाँ 3 प्लस 2 कितना मिल जाएगा आपको, 5. यहाँ पे 3 × 2 = 6, और 6 + 2 मतलब यहाँ पे मिलेगा आपको 8. और डिवीजन किससे करना है, 8 से ही करना है. ठीक है अब इस 8 से ये वाला 8 कटा, तो आपको कितने मिल गए, 5 × 3 = 15 ट्राइंगल्स मिल गए यहाँ पे. तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए आपके, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ गए यहाँ पे 15. ओके अब यही आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो इस वाले पे. ये भी आपको ऐसे दिख रहा है ना कि एक बड़ा ट्राइंगल है, उसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं. ओके तो देखिए यहाँ पे आपका डिवीजन कैसा हो रहा है, 1 2 3 4. यहाँ पे टोटल आपके 4 पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4. अब यहाँ फॉर्मूले में रख दो, आपका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 2 और 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 8. ये आपका फॉर्मूला है. यहाँ पे पुट किया 4 × 4 + 2 कितना हो गया आपका, 6, और 4 × 2 = 8, 8 + 2 यहाँ पे मिला आपका 10, और डिवाइड किससे कर दिया आपने, 8 से डिवीजन कर दिया. तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 2, 1 = 2, 3 = तो 3 × 10 = कितना मिला आपको, 30. तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए आपके, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके आ गए 30. ओके अब इसी का देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर. इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही निकालने हैं, आप उसी तरीके से निकालेंगे. यहाँ पे भी आप सिंपली गिन लेंगे कितने पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में डिवीजन हो रहा है. तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपकी, 8 आ गई. आप यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू सब में, तो देखिए ये हो गया 8, 8 + 2 कितना मिला आपको, 10, और यहाँ पे 8 × 2 = 16, 16 + 2 = 18, और डिवाइड बाय 8. इस 8 से ये वाला 8 कैंसिल हुआ, 18 × 10 = 180 मिला आपको. तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए यहाँ पे, 180 आ गए. ओके बहुत ही सिंपल था. अब देखिए टाइप 5. टाइप 5 में क्या होता है, आपका सिंपल एक स्क्वायर या फिर सिंपली रेक्टेंगल ले लिया जाता है और उसको डायगोनली डिवाइड किया जाता है. अब देखिए यहाँ भी आपने डायगोनली डिवाइड किया और यहाँ पे भी आपने डायगोनली डिवाइड किया, तो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलने लगते हैं. ये एक नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल गया, ये दूसरा मिल गया, तो यहाँ कितने आ गए आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, 2 मिल गए. यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो आपके यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 2 हो गए. इस 2 से कंफ्यूज मत होना. ओके यहाँ पे मैंने काउंटिंग की है, ये एक नंबर ऑफ ट्राइंगल, ये दूसरा नंबर ऑफ ट्राइंगल, टोटल आपके कितने हो गए, 2 ट्राइंगल्स. ओके फर्स्ट टाइप से आप कंफ्यूज मत होना. ओके तो देखिए यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 1 ये दूसरा ये, तो यहाँ टोटल आ गए आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2. ओके अब यहाँ देखिए यहाँ 1 2
तीन, चार, इसमें भी डायगनली डिवाइड किया है, बट यहाँ एक्स्ट्रा क्या हुआ है, यहाँ पे दो डायगनल्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, पहली डायगनल ये और दूसरी डायगनल ये। तो अगर आपने एक डायगनल क्रॉस करी थी तो आप सिंपली काउंट करके निकाल सकते थे वन और टू, लेकिन यहाँ पे दो डायगनल ने क्रॉस किया है तो मतलब आपकी काउंटिंग करो आप, वन टू थ्री फोर, तो आपके टोटल कितने आ रहे हैं फोर, लेकिन डायगनल कितनी थी दो, तो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे इंटू टू। मतलब सिंपल क्या करना है आपको, काउंट करना है, काउंट करने में आपको कितना मिल रहा है फोर मिल रहे हैं, और सिंपली उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ डायगनल्स से। तो नंबर ऑफ डायगनल्स कितनी हो गई यहाँ पे, नंबर ऑफ डायगनल्स यहाँ पे हो गई टू, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे एट आ गया। अभी नेक्स्ट टाइप देखिए, इसमें देखिए काउंट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं एट आ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ डायगनल कितने ही है, यहाँ पे भी डायगनल आपकी टू ही है, ये पहली डायगनल डी वन और ये हो गई दूसरी डायगनल डी टू, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये डायगनल नहीं होती है ओके। तो आपकी नंबर ऑफ डायगनल्स कितनी हो गई टू, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप टू से, तो एट टू से कितना मिला आपको सिक्सटीन मिला ओके। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है ओके, ये वाली लाइन से, ये डायगनल नहीं कहलाती है, डायगनल कौन कहलाती है, जो आपस में वर्टेक्स को ज्वाइन करती है या फिर एजेस को ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं हम डायगनल ओके। तो आप सिंपली इसको कैसे निकाल सकते हैं, आपने सिंपली काउंट किए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं और उससे मल्टीप्लाई कर दिया किसको टू को, आपको क्या मिलेगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ओके। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, इसी का थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का बोल सकते हो आप ये टाइप, देखिए इसमें क्या होता है, आप सिंपली गिन लो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिल रहे हैं फोर मिल रहे हैं। अब यहाँ लेकिन डायगनल कितनी है, पहली डायगनल ये हो गई दूसरी डायगनल ये हो गई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टू से, तो यहाँ मिल रहा है आपको एट। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे भी कितने मिल जाएंगे फोर टू जा एट मिल जाएंगे। अब इसमें हिडन ट्राइंगल्स भी होते हैं, हिडन ट्राइंगल्स कौन से, देखिए एक ट्राइंगल आपका ये भी बन रहा है, एक ट्राइंगल आपका ये वाला भी बन रहा है, बन रहा है दो ट्राइंगल्स, तो आपके नॉर्मली आपने कितने निकाल लिए एट प्लस एट सिक्सटीन निकाले थे, लेकिन आपको दो और एक्स्ट्रा मिले ये वाला और ये वाला, तो आपके कितने हो गए सिक्सटीन प्लस टू विच इज एटीन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ओके। तो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे आ गए एटीन, एंड इनकेस आपको काउंट ही करने हैं तो मैं आपको काउंट करके ही बता देती हूँ। देखिए आपका ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्लियरली दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखिए वन टू थ्री फोर, ये चार चार मतलब आठ ट्राइंगल आपके हो गए ऐसे ही। अब देखिए एक ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो और कितने मिल गए आपको प्लस फोर मिल गए। अब यहाँ पे भी सेम करेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो प्लस फोर, इतने मिल गए आपको। अब देखिए एक कौन सा हो गया आपका ट्राइंगल ए ई सी वाला, तो ए ट्राइंगल ए ई सी हो गया, और एक और कौन सा हो गया आपका ट्राइंगल एफ बी डी, तो ट्राइंगल एफ बी डी, तो आपको ये दो और मिल गए, तो प्लस टू और कर दिया आपने, तो आपको टोटल कितना मिला, ये हो गया टोटल आपका एटीन ओके। अब इसी में देखिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे आप सिंपली गिन लो वन टू थ्री फोर, फोर ट्राइंगल्स हैं, डायगनल कितनी है एक दो, दो ट्राइंगल है तो इंटू टू, तो आपको यहाँ मिलेगा एट, तो यहाँ एट मिल गया, सिमिलरली यहाँ भी एट मिलेगा, यहाँ भी एट मिलेगा, यहाँ भी एट मिलेगा और यहाँ भी एट मिलेगा, आपस में ऐड कर दो। अब आपको क्या देखना है, हिडन ट्राइंगल्स, तो हिडन ट्राइंगल्स कैसा हो जाएगा, पहला हिडन ट्राइंगल आपका ये वाला हो गया, दूसरा हो गया आपका ये वाला, ठीक है, तो यहाँ कितने मिले आपको इस लाइन पे, इस लाइन पे मिले आपको प्लस टू, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इस वाले फिगर में एक ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, हो गया, तो आपके यहाँ पे कितने हो गए प्लस टू। अब देखिए एक और आपका ये मिल रहा है और एक ये वाला मिल रहा है ना, तो इधर हो गए प्लस टू। अब और देखिए एक ये हो रहा है आपका ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है आपको, तो इसमें कर दिया आपने प्लस टू ओके। अब आपस में सबको ऐड कर दो, आपको एट कितनी बार मिला है, एट मिला है आपको फाइव टाइम्स, और टू कितनी बार मिला है, टू मिला है आपको फोर टाइम्स, तो आपका क्या हो जाएगा एट फाइव ज़ा फोर्टी और टू फोर ज़ा एट, तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिल गए फोर्टी एट, क्लियर। गिनवा भी देती हूँ आपको, वन टू थ्री फोर ये चार हो गए, 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 वन टू थ्री फोर ये और चार हो गए, तो कितने हो गए ये टोटल फोर फाइव जर ट्वेंटी ये हो गए आपके। अब देखिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये,
चौथा ये, तो यहाँ चार मिल गए आपको, ऐसे ही आपको 5 बार 4 मिल जाएंगे, तो 5 4 फिर से आपको 20 मिल गए। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है, ये वाले बॉक्स को और ये वाले बॉक्स को। तो किससे कनेक्ट करोगे आप? इन वाले ट्राइंगल से। पहले वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल एल बी जे, पहला ही ट्राइंगल मिल गया आपको, ट्राइंगल एल बी जे। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा मिल गया? ट्राइंगल ए के एफ। तो ये दो ट्राइंगल मिल गए आपको, तो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया +2 को। अब सिमिलरली आपको ये वाला मिल जाएगा, ट्राइंगल बी जे डी और ट्राइंगल के सी आई। तो ये दो मिल गए, तो +2। अब यहाँ देखिए, ट्राइंगल सी आई ई और ट्राइंगल जे डी एच, तो यहाँ +2 कर दिया। और देखिए, ट्राइंगल आई ई जी, एक ट्राइंगल ये मिल गया, और ट्राइंगल डी एच एफ, दूसरे ट्राइंगल ही मिल गया। तो आपके टोटल कितने हो गए? ये हो गया आपका 40, 40 + 8 मतलब 48 ट्राइंगल्स। आपको टोटल कितने मिल गए? 40 + 8 विच इज 48 ट्राइंगल्स। ओके, अब करती हूँ मैं अपने फोर्थ साइड का। अगर आपको पसंद आई हो ट्रिक तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगी। अभी तो ये काफी ईजी टाइप के क्वेश्चन थे ये, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब जो ये नेक्स्ट सेट आएगा उसमें मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगी आप कैसे काउंट कर सकते हैं। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। ओके, तो आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है, देन आपको सेट 2 पे जाना है। ओके, अब मैं आन करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।